अच्छा मेरे भाई, हमने लड़की वालों को सख्ती से जहेज और बारात का मना किया मगर फिर भी इस पर नहीं हो रहे तो उनका हेडेक है ये, फिर जबरदस्ती ना करें निकाह टूट जाता है, इससे पहले ही शादियां नहीं हो रही, ऊपर से और चंगेज खान पना दिखाया आपने, फिर वो बारात करते हैं तो उनको गुना मिलेगा, उनका कसूर है, फिर भी जबरदस्ती जहेज दे रहे हैं तो ले लें, वो अपनी बेटी को दे रहे हैं ना, आप कैसे किसी पर जबरदस्ती कर सकते हो। साकिब को रंगी से अपना काम शुरू करना चाहता हूं, वेल्डर हूं, वेल्डिंग का काम करता हूं भाई, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया करें। एक आदमी ने कहा अपनी महबूबा से, कभी दिल टूट जाए तो हमारे पास आना, हम वेल्डिंग का काम जानते हैं। ठीक है, आप मशवरा दें, पहली मरतबा अपना काम शुरू करूं भाई, मशवरे तो उससे लो जो जो ये काम कर रहा हो ना, क्या ख्याल है? वेल्डर से मशवरे लें कि भाई अपना काम करना अच्छा है या किसी के यहाँ जॉब करना अच्छा है? वैसे उमूमी तौर पर तो यही है कि अपना काम करना ज्यादा अच्छा है। मुफ्ती साहब का आपका बयान सुना था भाई, ये भाई 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 ये फिर कवाराना मसाइल ना पूछो, इससे फिर एक नए नए क्लिप बनते हैं, फिर उधर से जवाब, फिर इधर से जवाब, फिर पब्लिक तमाशा देखती है। आजान के अल्फाज का जवाब क्या है और इकामत का भी वही जवाब है, सिर्फ हय्या अला सलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, कदकामत सलाह पे कदकामत सलाह ही पढ़ना है, सदकता वबर्रता वबिलहक नतकता, ये साबित नहीं है किसी सही हदीस से मेरी मालूमात के मुताबिक। मैं पिशावर से कराची कारोबार शुरू करने गया हूं, शरीयत के मुताबिक कारोबारी उसूल क्या है? तो बड़ा लंबा बयान है भाई। वितर की तीसरी रकत में दुआएं कुनूत पढ़ने के बजाय रुकू में चले गए, इस्तेदा सहव से नमाज हो जाएगी। जी हाँ हजरत, अक्सर मस्जिदों में कोई कुरानी आयात या कलमा दीवारों पर लिखा होता है, इसका आंख जमीन पर नजर आता है नहीं, इतना नहीं गौर किया करो यार, वह भी बन जाओगे क्या क्या। हजरत आपने एक बयान में कहा था कि कुरान से भी जादू होता है, इसकी कोई दलील दें? जी हाँ, इस पर मैं दलाइल भी दे चुका हूं और जादू का मतलब भी बयान कर चुका हूं, दोबारा करूंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, अगले हफ्ते ये सवाल पहले नंबर पे दें मुझे तो फिर मैं इसका तफसील से जवाब दूंगा, क्योंकि अभी फिर लंबी बात चली जाएगी टाइम कम, ये अगले हफ्ते मुझे दें। अगर कोई माँ अपने जवान बेटों को बोले कि दुनिया के साथ दीन का इल्म और मसाइल का भी हासिल करो चाहे ऑनलाइन ही, मगर इसका टाइम ना निकाल सकें, तो क्या वो माँ की नाफरमानी में आएगा? नहीं, इल्म हासिल कोई अपनी मर्जी से कोई भी कर ले तो ये माँ का मशवरा है, मान लेना चाहिए, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, समझते हो? पिछले माह से मैं परेशान हूं, कोई जॉब नहीं है, अगर आप मेरे साथ कुछ ताउन करना है, दिल से दुआ है भाई। मुफ्ती साहब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, मेरी दो रकतें हुई थी और इमाम साहब की चार, गलती से दुरूद और दुआ पढ़कर सदा सहव किया, नमाज हो गई? ये नहीं, पता नहीं क्या पूछा, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, इमाम की दो हुई थी और इमाम, मेरी दो हुई थी और इमाम की चार, गलती से दुरूद और दुआ पढ़ ली, दुरूद और दुआ इमाम के पीछे पढ़ ली, इससे सदा सहव नहीं होता, अगर सलाम फेर दिया तो हो जाता है। बराए मेहरबानी अपने कार मैकेनिक का नंबर बता दें, और फ्री हो रहा है भाई। हमारे महल्ले के कुछ लोग कहते हैं कि जो हदीस कुरान से साबित है वही मानेंगे, बाकी हदीस गलत है, बहुत लोगों ने बात मान ली और तहरीक जन्म ले चुकी है। ये बात गलत है कि जो हदीस कुरान से साबित है वो मानेंगे, जो कुरान से साबित नहीं वो नहीं मानेंगे, ये 100% गलत है। अल्बत्ता इतनी बात है कि इमाम अबू हनीफा का उसूल है, फिका का उसूल है उनका, कि अगर कोई हदीस कुरान के अगेंस्ट जा रही है, बिल्कुल अगेंस्ट, तो अगर वो मुतवातिर है, कुरान की टक्कर की है, तो फिर तो ठीक है, अगर कुरान के अगेंस्ट है लेकिन मुतवातिर नहीं है, तो बेशक बुखारी और मुस्लिम ही की क्यों ना हो, तो फिर उस हदीस में तावील की जाएगी, अगर तावील मुमकिन हो, अगर तावील मुमकिन ना हो तो फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए नहीं कि हम हदीस नहीं मानते, इसलिए कि कुरान का दर्जा बहरहाल हदीस से ज्यादा है, कुरान के अल्फाज में भी तब्दीली नहीं हुई है, जबकि हदीस के अल्फाज में बहुत से अल्फाज बिलमाना है कि सहाबी ने आगे अपने अल्फाज में उसको बयान किया, तो हम कहते हैं कि इसका इम्कान है कि अल्फाज के बयान करने में शायद कोई खता हो गई हो, तो आम हालत में तो इस इम्कान को लायक खातिर नहीं लाया जाता, लेकिन जब वो कुरान के अगेंस्ट होगी तो फिर उसको उस इम्कान को अहमियत दी जाती है। अच्छा भाई,
لیکن یہ جو منکرین حدیث تو ہے نا, یہ تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. یہ اصل میں قرآن کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ قرآن نے خود حدیث کو حجت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. جی بہت لمبا سوال ہے یار. نہیں یہ دھوکا ہے نا, آپ نے بنایا خود ہے, میڈ ان جاپان لکھ دو, کہاں سے جائز ہو گیا یار. جو میڈ ان جاپان وہی ہوگی جو میڈ ان جاپان ہی ہو, سمجھتے ہو؟ دھوکے میں آئے گا بنانے والا بھی, بنانے والا تو دھوکے میں نہیں آئے گا, لکھنے والا دھوکے میں آئے گا نا.